हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल। ये एक LG डबल डोर रेफ्रिजरेटर का इन्वर्टर PCB है। ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था। इसमें कंप्लेंट ये था कि कंप्रेसर रन नहीं कर रहा था, मतलब सब कुछ LED ऑन हो रहा था, डिस्प्ले ऑन हो रहा था, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। तो ये मेरे पास आया रिपेयर होने के लिए, तब मैंने देखा तो इस एरिया में सिप्लक जाके बैठ के शायद कुछ शॉर्ट हो गया था, तो इसी की वजह से उसको जो है ठीक तरह से MCU से आउटपुट IPM को नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो कंप्रेसर ड्राइव नहीं हो रहा था। तो प्रॉब्लम को ट्रेस करने के बाद ये रेजिस्टर जो आप देख रहे हैं, ये वाले, ये 100 ओम्स के आते हैं। इधर एक दो, ये दिखाता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः रेजिस्टर जो हैं 100 ओम्स की वैल्यू के आते हैं। तो इन रेजिस्टर्स की वैल्यू मैंने चेक किया तो वो मिली ओम्स में चले गई थी, मेगा ओम्स में चली गई थी। तो इसको रिप्लेस कर दिया है। अभी रिप्लेस करने के बाद अभी आउटपुट पे इसको UEW टेस्टर लगाया हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको इसको पावर दे के चेक कराता हूँ। ये देखिए, मैंने इसका पावर ऑन किया तो इधर एक साउंड आया। आने के बाद इसका एक टेस्ट बटन आता है इधर, एक बार प्रेस करेंगे तो वो आउटपुट पे बता देगा कंप्रेसर के। तो ये देख सकते हैं आप, तीनों UVW में पावर आ चुका है। तो धीरे धीरे ये चेंज होता रहा, अभी तीनों को ये फेस मिलता रहेगा UVW को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चेंज होता रहेगा। सिर्फ 100 ओम्स की रजिस्टर से ये काम बन गया है। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में रहता है बस। प्रॉब्लम को जिस PCB में जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको ठीक तरह से आप ट्रेस करेंगे तो काम कर पाएंगे। बस रजिस्टर का प्रॉब्लम था तो ये सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।